हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन यूनाइट की एक और नई वीडियो में। और भाई जो वापसी लेके आ गए हैं एप्सोल का गेम प्ले। और भाई इसमें दो बंदे दिख रहे हैं तुम्हें, इन पे नज़र बना लो। एक ये है मिस्टर माइम और एक ये है सिंड्रेस। भाई मतलब बॉटों ने ना टीम बना के फिर आना चालू कर दिया। भाई इतने बॉट बंदे थे, ये इतने बॉट बंदे थे, बोलने के बाद ही मिस्टर माइम भी जंगल में घुसा है और सिंड्रेस भी जंगल में घुसा है। और भाई उसके बाद जंगल करने के बाद भी नहीं बंदे, दूसरा जंगल इस जंगल मैंने ऐसे दिया, मैं नीचे आया हूँ जंगल करने, लेकिन उसके बाद भी भाई ये बंदे ऐसे थे कि ऊपर एक बार भी नहीं आए। और देखना एंड में कितनी मुश्किल से भाई मैंने ये गेम जिताया है। मतलब बिल्कुल कहते ना जैसे सोलो करना, वो क्या हुआ भाई इस गेम में। अभी देखना यहाँ पे जैसे जैसे चार लेवल का होऊंगा भाई और आगे जाता हूँ, यहाँ पे हमारा पहले से लड़ रहा होता है वो लुकारियो, तो यहाँ से मैं घुस जाता हूँ मेरा मुंह आते ही। और भाई उसकी एचपी देखो कहाँ बची है, उसका वो भी आ जाता है पीछे से मर के। भाई बड़ी जल्दी मर के आता ही है, तो इसको तो पहले ही मार देता है, बट स्टिल पीछे से हम वापस भाग जाते हैं यहाँ से। भाई सबसे बढ़िया उनका फार्म डैमेज करवा दिया ना, अब वापसी आ जाओ। और भाई बीच बीच में तो ये भी नकली हरकत, ये थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहा था, मैं बोल रहा हूँ बुरा खेल रहा था, लेकिन भाई बीच बीच में ये भी इतनी नकली हरकतें करना चालू कर देता है, अच्छा खासा गेम बर्बाद करने में तो लग रहा था ये भी। मतलब जहाँ मेरा लेवल आराम से बढ़ सकता था वहाँ ये बंदे मेरे को लेवल ही नहीं बढ़ाने देता था। और भाई इतना गुस्सा आ रहा था इस बंदे पे। अभी देखना जहाँ पे, और ये ऑलराउंडर है आगे उसको खेलना चाहिए ना, आगे मेरे को घुसना पड़ता है, ये बंदा घुसता ही नहीं है, देख रहे हो। अभी भी देख लो भाई, हद कर रखी थी मतलब इसने भाई, प्रॉपर हद। मतलब इतना पता नहीं इतने बॉट बंदे कैसे आ जाते हैं इसमें। और हाँ भाई एक बार बिल्ड की बात कर लेते हैं, बिल्ड में इसमें पुराना वाला यूज़ कर रहा हूँ अपना, जो मैं मोस्टली यूज़ करना पसंद है, अटैक वेट, रेजर क्लो और स्कोप लेंस। भाई अटैक वेट का एक दो स्टैक हो जाए तो उसके बाद ये अपना कमाल दिखाना चालू कर देता है। अभी तक देख लो पाँच लेवल का हुआ हूँ मैं, पाँच या छः लेवल का हो गया ऑलमोस्ट। और देखो सिंड्रेस जंगल में घूम रहा है और यहाँ पे मैं और ये हूँ जो सेफ करने लग रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे तैसे करके भाई यहाँ पे 20 तो निकाल लेता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे सीजर आया था उनका, उसका लेवल देखना। भाई इसकी हीलिंग और सीजर की हीलिंग भाई रुला देती है, कसम से रुला देती है भाई। इसकी हीलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसको नर्फ होना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है इसकी। और यहाँ देखो जल्दी से 20 मार ले तो भाई के, ताकि मेरा लेवल अप हो सके। और हमारा वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है, भरोसा नहीं है उसका। और यहाँ पे देखो यहाँ पे अंधेरे में चले आता हूँ और यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में अंधेरा कर देते हैं ये लोग। कोई बात नहीं, हम मर के वापसी आ जाएंगे जल्दी से। और वापसी आ चुका हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर आया ही नहीं है वो लेने, यहाँ पे सोलो चल रहा है, सोलो का डुओ चल रहा है। और भाई इतने नपले बंदे होते हैं ये, मतलब हद कर रखी होती है इन दोनों ने मिलके भाई। मतलब ये बोलते हैं ना, दो बॉट मिले आपस में टीम में, उन्होंने टीम अप किया, चलो अब दूसरे गेम ख़राब करेंगे। ये बॉट ऐसे थे भाई, हद कर रखी थी भाई इन लोगों ने, हद कसम से। इनको पता नहीं कि खेलना नहीं आ रहा था, क्या दिक्कत थी इनको। और देखो भाई वापसी 20 आ चुके हैं यहाँ पे, और इन बंदों को 20 मारनी है पहले, इन बंदों को भाई 20 मारनी है पहले। जिसको आगे घुस के खेलना चाहिए ना, वो आगे घुस के देखो, देखो पीछे से आ रहा है, वो आगे घुस के मर जा रहा है। मिस्टर मैम को आगे घुसना चाहिए, वो देखो अलग ही नपले बनती कर रहा है भाई, अलग ही नशे चल रहे हैं। और यहाँ पे देखना एंड टाइम पे दिमाग लगा के मैंने पहले ही परसूट मार दिया उस पर, ताकि उस पर अपना नाइट स्लैश मार के उसे उसको सिक्योर कर सकूँ। हमारे बंदे को फर्क ही नहीं है। अभी भी देखना यहाँ पे क्या होगा, वो बंदा पीछे स्कोर कर रहा होगा रेदर देन पुश करवाने से। ये देखो इसने मुझे मारा, यहाँ पे मैं मर जाऊंगा, वो देखो पीछे पुश कर रहा है भाई, स्कोर कर रहा भाई वो बंदा। बोल तो रहा हूँ यहाँ पे कमी नहीं है भाई नपलों की। और जैसे तैसे करके भाई मुझे अब जंगल मिलता है, अब मैं जंगल लेकर आता हूँ, वो भी एक बफ। और देखो ये इसे, ये तो सिंगल पकड़ा जाए, जो भाई सिंगल पकड़ा गया इसके साथ उसे तो ईजी निकाल लूँगा, उसका बचना मुश्किल है। और यहाँ से जैसे जैसे बच के चले जाता है, अब भाई नीचे पुश करवाएंगे, सीधी सी बात है, ऊपर तो नीचे उन्होंने वो ले लेते जब तक। और भाई नीचे पुश करवाएंगे, देखो आगे ये बंदा उसके उसमें चले गया, और फालतू में यूनाइट खोल दी, उसका गैंगार तो भाई पहले निकाल लूँगा। और यहाँ पे ये आके डायरेक्ट वो मारता है और उससे मैं एकदम ही ख़त्म हो जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे वापसी आएंगे। और भाई इसका गैंगार निकाल लो पहले, कुछ मत करो, गैंगार को पहले निकालो,
सबसे बेस्ट रहेगा। उनका स्पीस्टर ख़त्म, उनकी आधी ज़्यादा स्ट्रेंथ ख़त्म। ये देखो ये आया, ये भी गया, ये भी गया। और यहाँ पे भग रहा होता देखना, यूनाइट मारी, ये भी ख़त्म और ये ग्रेंजा भी ख़त्म। दो किल यहाँ निकाल लिए, उसके बाद जाके पीछे ईजी ये भी ले लूँगा। जो भाई इनका भरोसा नहीं कब चोरी करवा दें। और अब और एक चीज़ बताओ मज़ेदार बात तुम्हें, हमारी टीम में ब्लास्टर्स भी था, दिखा नहीं होगा ना, मैप चेक करो दिख जाएगा। यहाँ पे देखना क्या ही पुश होता है अभी, सेना देखना भाई, हद कर रखी होती है ना बंदों ने। अब शुक्र बनाओ लास्ट के मोमेंट पे देखना। अभी तुम अगर वीडियो में नया आए हो ना भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। और भाई अभी देखना तुम, जहर दिखाऊंगा तुम्हें, मतलब प्रॉपर जहर। यहाँ पे देखो मैं यूनाइट फार्म कर रहा हूँ, मैंने भी हगा, ये नहीं बोलूँगा मैंने नहीं हगा, मैंने भी हक दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या गलती करी, मैं बीच में नहीं गया, मुझे लगा अभी क्या 7-8 सेकंड है, कौन सा कौन निकाल लेगा इतनी देर में। देखो भाई बंदों ने ऑलमोस्ट निकाल लिया, जो जिंदा हैं वो तो गए नहीं, और जो ये हमारे प्रो बन रहे थे जंगल लेके, वो पहले शहीद हो चुके हैं, वो पहले शहीदी में घूम रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा 30 सेकंड का टाइमर लगा, अब भाई वापसी आएंगे यहाँ पे इन्हें निकाल के। सिजोर की हीलिंग देखना, अब भाई इतनी गंदी हीलिंग करेगा तो कैसे चलेगा, हीलिंग देखो इसकी भाई, इतनी गंदी हीलिंग करेगा तो कैसे चलेगा इसका। 1v1 तो बहुत मुश्किल है फिर से निकालना। अब देखो जैसे तैसे करके यहाँ से जाएंगे, और भाई आखिर मोमेंट में जो जीते हैं ना गेम, लुकारियो, और सिर्फ मेरे चक्कर में जीतते हैं भाई, वो इतना नपला था, मतलब ये दोनों तो नपले हैं भाई, ये दोनों तो ये हैं भाई। सीधा के यहाँ पर यूनाइट कोहली ख़त्म। यहाँ पे देखो डबल आए, और ये हमारा ख़त्म, गंगार फिर गायब। यहाँ पे इसे देखो, ये भी गया, और इसके आज GHP, और भाई अब मेरी HP देखना, और शुक्र मनाओ उसका और मेरा गोल लग जाता है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था गोल लगेगा। 100 का मेरा लगा और 80 का उसका लगा। भाई कसम से बता रहा हूँ, अगर ये दो गोल आखिर में नहीं लगते ना, तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी भाई, इन लोगों ने हमें ईजी निकाल दिया था। और इस बंदे को पता नहीं इसने मिस्टर माइम ले रखा है, इसको चलाना नहीं आ रहा है, क्या बिल्ड लगा रखा था भगवान जाने भाई, इसके मतलब मिस्टर माइम को डैमेज ही नहीं आ रहा था से। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे हमारे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और चलते हैं भाई हम सीधा हमारे, अब स्कोर देख लेते हैं, स्कोर क्या हुआ था।